हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ इमरान। आज मेरे पास ओप्पो A5 2020 का डेजलिंग वाइट कलर मेरे पास है और काफ़ी स्टाइलिश सा डिवाइस है। और वैसे में क्या है कुछ खास स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। गाइज वीडियो को देखते रहिए, चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेजलिंग वाइट साथ ही साथ 4GB एंड 64GB वेरियंट यही है, बाकी इसमें 3GB एंड 64GB वेरियंट भी है जो मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी यहाँ पे अल्ट्रा वाइड क्वाड कैमरा इसमें आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 5000 mAh का बैटरी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, गेम बोस 2.0, डॉल्बी एटॉम्स के साथ में डुअल स्पीकर इसी फ़ोन में लगाया गया है। बाकी कुछ खास स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन किया गया है। कैमरा जो है 12+8+2+2 यानी मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का है और साथ ही साथ फ्रंट जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का, काफ़ी बढ़िया कैमरा है। मैं आप लोगों के साथ कुछ फोटोज़ क्लिक करके शेयर करूँगा। 6.5 इंचेस का यहाँ पे वाटर ड्रॉप स्क्रीन, 195 ग्राम वजन है, 5000 mAh का बैटरी। हाईलाइटिंग पॉइंट जो इस फ़ोन के लिए है वो 5000 mAh का बैटरी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, डुअल स्पीकर के साथ आता है फ़ोन। तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं इस फ़ोन को अनबॉक्सिंग, जैसे मैं हमेशा करता हूँ ब्लेड से अनबॉक्सिंग, तो इसी फ़ोन को भी ब्लेड से कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग। गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ़ोन को हम यहाँ पे कर चुके हैं, जो ऊपर की तरह सील है उससे कर दिया है ब्रेक, और बाकी निकालते हैं इस फ़ोन का ऊपर का बॉक्स और कुछ इस तरह से हमें कंटेंट्स देखने को मिल जाता है ऊपर की तरफ। और यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट्स में सिम एजेक्टर टूल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन ओप्पो की तरफ से और एक केस कवर इस फ़ोन के साथ आता है, बाकी कुछ इस तरह से प्रोडक्ट के साथ ये जो ओप्पो A5 2020 आता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो ये रहा आपको एडाप्टर 5V and 2A का। बाकी यहाँ पर एक प्यारा सा हेडफोन भी इस फ़ोन के साथ आता है जो कि काफ़ी अच्छी है, जिसका प्राइस लगभग 500 तक है। टाइप सी का यहाँ पे केबल भी आप इस फ़ोन के साथ मिल जाता है। बाकी कुछ इस तरह से हमें फ़ोन को ऑन कर देते हैं और फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं। इस फ़ोन का जो लुक्स एंड डिज़ाइन है देख सकते हो वाइट कलर में, जो डेजलिंग वाइट है, काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन किया हुआ ये फ़ोन है एंड डेफिनेटली बहुत ही लुक्स शानदार यहाँ पे लग रहा है। पीछे की तरफ यहाँ पे क्वाड कैमरा यानी चार कैमरा देखने को मिल जाता है, 12 यहाँ पे फ्लैश भी है और इस फिंगरप्रिंट स्कैनर, बाकी नीचे यहाँ पे ओप्पो का ब्रांडिंग और यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है। ब्रांड न्यू फ़ोन है तो डेफिनेटली ये सारे चीज़ स्टिकर वगैरह लगा रहता है। वैसे में इस फ़ोन का जो कैमरा सेटअप है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन की बात करें इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा कर्व डिज़ाइन के साथ में आता है और मिरर फिनिश भी दिया गया है। डुअल स्पीकर यहाँ पे, स्पीकर ग्रिल माइक यहाँ पे टाइप सी और प्राइमरी माइक 3.5mm ऑडियो जैक, एंड यहाँ पे शानदार लुक्स की वजह से ये फ़ोन डेफिनेटली मार्केट में काफ़ी ज़्यादा धूम मचाएगा मेरे ख्याल से। और आप देख सकते हो मिरर ब्लैक एंड यहाँ पर जो हमें वाइट कलर है काफ़ी बेहतरीन लग रहा है जो आप यहाँ पर वाइट कलर में। बाकी यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे वाटर ड्रॉप स्क्रीन मिल जाता है हमें, जो 6.5 इंचेस का एक बड़ा सा स्क्रीन है और आपको एक्सपीरियंस जो रहेगा वीडियो हो या फिर फोटोग्राफी या बाकी जितने भी चीज़ें हैं जो आप इस फ़ोन के साथ मिलेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इसमें जो बैटरी बैकअप है 5000 mAh का बैटरी वो भी कमाल का है और क्वाड कैमरा के सेटअप के साथ ये फ़ोन कुछ इस तरह से लुक्स डिज़ाइन और डिस्प्ले में काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लगा। इसमें जो मेन कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का जिसका एपरेचर f1.78 रहेगा, साथ ही साथ फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल जिसमें एपरेचर f2.0 के साथ में आता है। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट और साथ ही साथ पिन पैटर्न तीनों ही ऑप्शन सिक्योरिटी में आपको देखने को मिल जाता है और काफ़ी बढ़िया भी है। टच रिस्पॉन्स इस फ़ोन का बेहतरीन है, जैसे मैं इस फ़ोन को टच कर रहा हूँ रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है क्योंकि इसमें आपको जो प्रोसेसर चिपसेट यूज़ किया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 8 कोर इसमें देखने को मिलेगा और साथ ही साथ एंड्रॉयड इसमें 9 और साथ ही कलर OS 6.1 देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले का जो ग्राफिक्स हमें मिल रहा है काफ़ी अच्छा है, IPS पैनल के साथ आता है HD+ रेजोल्यूशन के साथ में। तो यही एक प्रॉब्लम है, 14000 के डिवाइस में आपको सिर्फ HD+ मिल रहा है, फुल HD+ होता तो डेफिनेटली जितने भी कम्बिनेशन है इस फ़ोन का वो काफ़ी बढ़िया रहता, लेकिन इसमें सिर्फ HD+ रेजोल्यूशन जिसका जो हमें पिक्सल्स मिलेगा 720x1600 का पिक्सल थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो कलर है 6.0.1, साथ ही साथ एंड्रॉयड 9, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665, 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ ये फ़ोन आता है। और फिलहाल हम कुछ इस
फ़ोन के कैमरा से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और देखते हैं इस फ़ोन का कैमराज कैसा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और अपर्चर भी काफ़ी अच्छा है f2.0। और डिटेल के साथ ये फ़ोन डेफिनेटली काफ़ी हद तक अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स है कैमरा के मामले में। जो मेन कैमरा की बात करूँ, जो मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल और साथ ही साथ अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए यहाँ पे 8 मेगापिक्सल, और जो तीसरा कैमरा है वो बोके इफेक्ट के लिए है 2 मेगापिक्सल और मैक्रो लेंस के लिए यहाँ पे छोटा कैमरा लगाया गया है। तो यही है 4 कैमरा का फीचर्स। तो यही है ओप्पो F5 2020 का डेजलिंग वाइट कलर, और मैंने इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग कर दिया। आप भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नया आए हो, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।